bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Hey guys, welcome back to my channel Ruchi Style Corner. If you are watching me for the very first time, hi, my name is Ruchi और मैं बहुत अलग अलग तरह के content के ऊपर videos बनाती हूँ, जैसे कि lifestyle, organization, DIY, dance tutorial, makeup tutorial, अपने day to day vlogs share करती हूँ, etc. So do consider subscribing to my channel. So in my today's video, I am going to share with you my living room makeover. So without further ado, let's just get started. Video start करने से पहले जो लोग मेरा video first time देख रहे हैं, उनको मैं अपने बारे में कुछ चीजें बता देती हूँ. राइट नाउ आई एम लिविंग इन मुंबई. करेंटली हम लोग मुंबई में रह रहे हैं एंड दिस इज नॉट माई ओन हाउस. ये रेंटेड अपार्टमेंट है और ये 1 BHK अपार्टमेंट है. मैं ऑलरेडी इस लिविंग रूम के मेकओवर के ऊपर 2-3 वीडियोस बना चुकी हूँ, उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड इसका जो प्रोसीजर था, जो भी मैंने लिविंग मेकओवर किया लिविंग रूम का, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. और जो भी चीजें मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, जिसके थ्रू मैंने मेकओवर किया है, उनका प्राइस क्या है और वो मैंने कहाँ से परचेस किया है, वो जस्ट मैंने एक दिन पहले वीडियो अपडेट किया है. तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, मैंने कौन सी चीज कहां से ली है. ऑल्दो मैं इस वीडियो में बताती जाऊंगी, बट अगर इन केस कुछ छूट जाता है. एंड बिकॉज आई एम लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, आई कैन नॉट प्ले विद द वॉल कलर्स और मैं बहुत ज्यादा सेटिंग चेंज भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज एक पर्टिकुलर एरिया है मेरे घर का और सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग ही आई है. तो मैंने चीजें भी इधर से उधर नहीं करी है, मैं सिर्फ थोड़ी छोटी चीजों से मेकओवर कर देती हूँ अपने घर का, जस्ट टू गेट अ गुड लुक. सो दिस इज माई मेन एंट्रेंस. यहाँ से मेन एंट्रेंस है मेरे घर की और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर एक सोफा रखा हुआ है और इसके राइट हैंड साइड पर जब आप देखते हैं तो एक टीवी यूनिट रखी हुई है. ये जो आप व्हाइट कलर का टेबल देख रहे हैं, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एज अ सेंटर टेबल की तरह यूज किया था और इसको भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है. बट राइट नाउ क्योंकि मेरे घर में डांस क्लासेस चलती है और सेंटर टेबल रखने का कंसेप्ट मुझे इतना जो था वो मैंने सॉर्ट आउट करवा दिया है, उसका रीजन मैं भी आपको बाद में बताऊंगी. सो बेसिकली मैंने इसको सिर्फ एज अ साइड टेबल यूज कर दिया और इसके ऊपर जो मेरा वूफर था वो रख दिया है. ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ स्टोरेज यूनिट और ये मैंने होम सेंटर से परचेस किया था. ये सिटिंग यूनिट भी है और आप इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं और काफी स्टर्डी है. काफी सारा सामान इसके अंदर रखा जाता है, घर का जो भी मेकओवर का सामान रहता है वो सब मैं इसी के अंदर रखती हूँ और भी छोटी मोटी चीजें सब इसके अंदर आ जाती है. एक सेंटर पार्टीशन दिया हुआ है तो एक तरफ यहाँ सामान आ जाता है और यहाँ सामान आ जाता है. बेसिकली ये कंप्रेस्ड वुड की बनी हुई है, वुड इसका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट आराम से 5 to 6 ईयर ये चलेगा ही चलेगा. एंड व्हाइट इन कलर है, ऊपर से रेक्सिन है. नो डाउट थोड़ा सा मेंटेनेंस करना पड़ता है बट आई थिंक इट्स अ गुड परचेस फॉर मी, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है ये. नेक्स्ट आते हैं इस पेंटिंग के ऊपर. तो आप ये जो पेंटिंग देख रहे हैं, दिस इज कम्प्लीटली DIY और बहुत ही सिंपल सा है. इसका भी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा बहुत इजीली और आई थिंक 5 या 10 मिनट्स में आपका ये पूरा पेंटिंग जो है वो बन जाता है. तो इट्स वेरी सिंपल. सो दिस इज माई डाइनिंग एरिया. आई लाइक टू कीप माई डाइनिंग एरिया थोड़ा खाली खाली सा बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा डेकोरेट करना डाइनिंग टेबल को पसंद नहीं है. मेजरली मैं एक वास जरूर रखती हूँ और एक जग रखा हुआ है पानी का, 2-3 ग्लासेस हैं और एक रनर बिछा हुआ है, दैट्स इट. इसके अलावा मुझे कुछ भी डाइनिंग टेबल पे रखना पसंद नहीं है. दिस इज अ टीवी यूनिट और ये काफी बड़ी टीवी यूनिट है और हम लोगों ने एक लोकल वेंडर से परचेस किया था एंड ये 9 to 10,000 के अराउंड आपको इजिली मिल जाएगी. एंड ये वुडन कलर में था. एक्चुअली ये जो आप कलर देख रहे हैं ये इस कलर में था. तो बेसिकली ये जो मैंने चेंज किया है, फर्नीचर का कलर आप चेंज कर सकते हैं. मैंने एक वीडियो बनाया था प्रॉपर इसके लिए. मैंने ये स्टिकर मंगवाए थे जिसको आप आराम से अपने घर का मेकओवर कर सकते हैं. ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं, 2000 का, 19 feet का कुछ तो भी आता है ये मटेरियल. और ये मैंने यहां से नहीं मंगवाया था क्योंकि इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट्स पे मैं ऑलरेडी देख रही थी, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है, ये ग्लॉसी नहीं रहता है और वो वाटरप्रूफ भी नहीं रहता है. तो ये जो मैंने मंगवाया है ये bangwood.com से मंगवाया है. इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. बट दिस इज अमेजिंग अमेजिंग. मतलब इसके ऊपर कुछ दाग भी लग जाता है तो मैं लिटरली बर्तन मांजने वाला जो होता है उससे रब कर देती हूँ और वो क्लीन हो जाता है बहुत ईजिली. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ टिप ओवर हियर कि कभी भी आप कोई वॉल शेल्फ बनाते हैं या आपके घर का कोई कॉर्नर सेट करते हैं डेकोरेटिव स्टफ रखने के लिए, तो कोशिश करिए वहां पर कम से कम आप सामान रख सकें और थोड़ा क्लासी सा स्टफ रख सकें ताकि एक एक चीज बहुत क्लियरली दिखे. अगर मैं इसी के यहाँ पर 3-4 छोटी छोटी चीजें रख देती
हॉचपॉच लगता है, इतना सुंदर उठ करके नहीं आता। एंड दूसरी प्रैक्टिकल चीज ये है कि हम डेली इसको क्लीन नहीं कर, मैं इसको डेली डेफिनेटली क्लीन नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास और भी काम है। हफ्ते में हार्डली एक बार या दो बार मैं इसको क्लीन कर पाती हूँ, तो आई नीड समथिंग कि फटाफट से हट जाए और क्लीन हो जाए और फटाफट वाला काम हो जाए। दिस टाइम आई केप्ट द थीम ऑफ माई कलर इज गोल्डन एंड व्हाइट, तो जो व्हाइट कलर है वो ज्यादा डोमिनेटिंग रखा है और गोल्डन कलर थोड़ा कम डोमिनेटिंग रखा है। अगर आप गोल्डन कलर के साथ अच्छे से प्ले नहीं कर पाते हो तो आपका जो घर है वो बहुत ही टैकी और बहुत गंदा सा भी लग सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको प्ले कर जाओगे, कलर्स के साथ ब्लेंड हो जाएगा, अगर वो बहुत प्रॉपर लगेगा तो आपका घर बहुत ही रॉयल एंड क्लासी लुक भी दे सकता है। सो इट डिपेंड्स, है ना, आपको बस पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज कहाँ रख रहे हैं। अगर आपने कोई बोल्ड चीज बहुत यूज करी है तो उसको सेटल डाउन करने के लिए उसके कॉन्ट्रास्ट में आपको कोई लाइट कलर यूज करना रहता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, आई एम नॉट इंटीरियर डिजाइनर, टेक्निकली टर्म्स क्या होते हैं कैसे होते हैं आई रियली डोंट नो। मुझे ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल लुक। तो जब एंटर करते हैं दिन में, दिन का लुक मेरे घर का ऐसा लगता है, मैं जैसे रात में कैसा दिखता है, दिन में कैसा लगता है, किस लाइटिंग्स के साथ कैसा लगता है, सब आपको दिखाऊंगी। तो जब मैं कर्टेंस जनरली इस तरह से रखती हूँ ताकि घर में थोड़ी सी रोशनी आए, और क्योंकि ये ब्राइट कर्टेंस है तो ऑलरेडी घर में काफ़ी ब्राइटन अप लग रहा है, और जब कर्टेन लगा देते हैं तो इस तरह से दिख रहा है, मतलब बिना किसी लाइट ऑन करे भी मेरा घर काफ़ी ब्राइटन अप लग रहा है, अगर मैं लाइट्स ऑन ना करूँ तो भी। From up here, the world seems small. Now this is the night look of my living room. रात में ये इस तरह से दिखता है, जो छोटी छोटी फेरी लाइट्स हैं वो ही सिर्फ ऑन करी हुई हैं, और एक ये जो साइड में साइड बल्ब है ये ऑन करके रखा हुआ है, इसके अलावा कोई सी भी लाइट्स ऑन नहीं है, और ये थोड़े बहुत डेकोरेटिव पीसेस हैं जो मैंने लगा करके रखे हैं। अभी जब मैं फॉल सीलिंग वाली जो कॉर्नर लाइट्स हैं वो ऑन करती हूँ तो ये इस तरह से दिखता है। जब ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन आता है गोल्डन एंड वाइट कलर का, और ये जब मैं शैंडलर ऑन कर देती हूँ तब ये इस तरह से दिखता है। तो ये जो सोफा है आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके ऊपर मैंने 5 इस तरह से कर्टेंस रखे हुए हैं पैटर्न में, तो ये कर्टेंस की डिटेल आपको मेरे लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो ये ट्रॉपिकल साइड टेबल है जो हम होम सेंटर से लेकर के आए थे और अच्छे खासे डिस्काउंट पे लेकर के आए थे, तो ये रखा हुआ है साइड में। एंड देन एक पाम ट्री है, और यहाँ पर मेरा वर्किंग प्लेस है, ये मेरी वर्किंग प्लेस है, और यहाँ पर यू नो थिंक पॉट एंड एवरीथिंग मैंने बहुत कम चीज़ों से डेकोरेट किया है, बहुत ज़्यादा हॉचपॉच और भरा भरा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये जो आप देख रहे हैं वॉल शेल्फ्स, ये मैंने खुद से लगाई हैं, और उसके ऊपर जो पेंटिंग है ये भी DIY है, मतलब एवरीथिंग मोस्टली वॉज DIY। और ये वर्किंग स्पेस है, वर्किंग स्पेस इज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी और बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करना। और ये जो मेरा कर्टेन है आप देखिए इसके ऊपर कितना सुंदर गोल्डन रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत सटल भी लग रहा है, एट द सेम टाइम ये थीम को बहुत अच्छे से मैच भी कर रहा है और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके साइड में डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पे मुझे बहुत सारी चीज़ें रखना पसंद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ट्रे रखा हुआ है जिसमें फ्लावर वास है, एक वाटर जग है, और 2-3 ग्लासेस हैं, और एक कैंडल रखी हुई है, और छोटी सी बिस्लरी की बॉटल है, दैट्स इट। उसके बाद आप ये जो रनर देख रहे हैं ये बेसिकली टेबल मैट्स है जिसको मैंने जॉइंट करके सील करके रनर बनाया हुआ है, इसका डिटेल भी आपको मेरे लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो ये इतना दिख नहीं रहा है बट ठीक है, दूर से इतना पता नहीं चलता है कि अलग से बनाया है। देन ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये मैंने DIY करी है, इट इज़ लुकिंग रियली प्रिटी, इसमें लाइट्स वगैरह सब लगाई हैं, तो उसका जो DIY वीडियो है वो नेक्स्ट मतलब कल आने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्टोरेज एंड सिटिंग यूनिट है, और उसके ऊपर जो पेंटिंग है ये भी मैंने खुद से लगाई है। नेक्स्ट ये TV यूनिट वाला एरिया है जिसको बहुत मिनिमल चीज़ों से मैंने डेकोरेट किया है। नेक्स्ट आते हैं शैंडलर के ऊपर, तो ये नया शैंडलर है और ये अगेन वाइट कलर का है, और उसके अंदर वार्म वाइट कलर की लाइट्स हैं जिसकी वजह से घर का इफेक्ट बहुत सुंदर आता है। और जो पुराना वाला शैंडलर था वो मैंने बाहर बैल्कनी नहीं बोलूँगी, जो प्लांट वाला एरिया है वहाँ पर लगा दिया है, और वहाँ पर भी बहुत सुंदर लगता है वो। और अभी आप जो ये रेड कलर का सोफ़ा देख रहे हैं इसको मैं वाइट कलर के कवर में चेंज कर रही हूँ, ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया था पूरा सोफ़ा, कम बेड है ये, और ये जो कवर है ये मैंने अलग से बनवाया था, तो जब मुझे चेंज करना होता है तो मैं वाइट कर देती हूँ, जब चेंज करना होता है तो मैं रेड कर देती हूँ, क्योंकि व्हाइट कलर का सोफा है तो उसके साथ मैंने ब्राउन कलर का रग बिछाया है, क्योंकि सब कुछ एकदम से बहुत व्हाइट लग रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने ये डार्क ब्राउन कलर का रग बिछा करके रखा है, विच लुक्स रियली ब्यूटिफुल। और सारी जो डिटेल्स हैं आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगी कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से लिया है और किसका क्या एक्चुअली प्राइस है। और आफ्टर व्हाइट कलर के कवर के साथ मेरा घर इस तरह से लग रहा है, व्हाइट एंड गोल्डन थीम गिविंग अ वेरी क्लासी लुक टू माई होम, और बहुत ही सूदिंग सा लग रहा है मुझे ये। एंड किसी किसी को हो सकता है ये बहुत बोल्ड लगे, किसी को बहुत सटल लगे, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक डेट, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।
we can sit together.